बाइक चोर गिरोह का खुलासा, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस अधीक्षक आयुष द्विवेदी के आदेश पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस के हाथ लगा वाहन चोर गिरोह। ये गिरोह अंतर्राज्यीय शातिर बदमाश बरेली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया है कि ये गिरोह सक्रिय रहकर रामपुर व उत्तराखंड में वारदातों को अंजाम दिया करता था। उन्होंने कहा कि दो शातिर बदमाश जो कि बरेली के रहने वाले हैं, इनके पास से दो स्कूटी, 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इन लोगों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। ये बाइक को काट कर बेच दिया करते थे। बहुत सी बाइक काट कर बेच चुके हैं। बाकी की जानकारी प्राप्त की जा रही है। बहुत जल्द खुलासा किया जाएगा। बाइक चोरी की कई घटनाएं हो रही थी, जिस पर अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर, SOG टीम और जनपदीय पुलिस लगी हुई थी चोरों को पकड़ने में। तो आज एक भारी सफलता मिली है रामपुर पुलिस को, जिसमें दो अभियुक्त हैं बरेली के रहने वाले। इनके पास से स्कूटी और बाइक चोरी की मिला करके 9 वाहन मिले हैं, फर्जी नंबर प्लेट मिले हैं और कुछ अवैध हथियार भी मिले हैं। इनके द्वारा न सिर्फ हमारे जनपद में बल्कि अन्य जनपदों में और इवन उत्तराखंड में चोरियां की गई हैं। अभी इन 9 बाइक्स के अलावा भी और हम लोग के पास सूचनाएं मिल रही हैं, जिसकी बरामदगी करना शेष है। सर, ये कितने टाइम से ये कर रहे थे? अब जो चोरी की है, जो हमने बरामदगियाँ किया है, कुछ तो इसी वर्ष लिखी गई हैं, लेकिन हम पड़ताल कर रहे हैं कि कितने समय से लोग चोरियाँ कर रहे हैं, कहाँ कहाँ चोरी की हैं, प्लस इनके गैंग में और कौन कौन सदस्य है जो चोरी करते हैं, ये कहाँ बेचते हैं, किनको बेचते हैं। कुछ ये भी सूचनाएं मिल रही हैं कि इनके द्वारा जो कबाड़ का काम करते हैं, वहाँ जाकर के वाहन कटवा भी दिए जाते हैं। इन सभी बिंदुओं पर पुलिस द्वारा गहन पड़ताल की जा रही है। सर, इनका आपराधिक इतिहास क्या है? अभी उसकी पड़ताल कर रहे हैं, अभी तो यंग है, बट कहाँ कहाँ इनके खिलाफ और मुकदमे, ये क्योंकि बरेली रहने वाले हैं, जानकारी की जा रही है। सर, कितनी बरामद हुई है और सर इनके कितने लोग हो रहे हैं? तो मैंने आपको बताया कि गैंग में और कौन लोग हैं, इसकी पड़ताल हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल 5 बाइक्स और 4 स्कूटी ये बरामद हुई है और अन्य की भी कुछ सूचनाएं मिल रही हैं, जिनकी हम शीघ्र ही बरामदगी करेंगे। ठीक है, करते थे सर ये सामने से पब्लिक के, यही काम करते थे और क्या करते। ठीक है, ठीक है। टीम को कोई पुरस्कार देंगे क्या? अभी हम पूरा और काम हो जाए तो फिर अभी तो अच्छा काम हो। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली NCR के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा, मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2, नियर मंडी चौराहा, मथुरा।